आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारी तैयारी करने के बाद जब मैं बाइक लेकर घर से निकला तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का। गर्मी का मौसम होने के कारण सूरज की तेज किरणें मेरे शरीर पर कांटे की जैसे चुभ रही थी। दरअसल मेरे दोस्त अनिल की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब है, इसलिए मैं उसे देखने उसके घर जा रहा हूँ। अनिल का घर मेरे शहर से 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में है। घर से निकलते वक्त मैंने एक बार सोचा कि ट्रेन से चला जाऊँ, मगर मुझे कल ऑफिस में काम था और अगर मैं ट्रेन के चक्कर में फंस गया तो आज लौट नहीं पाऊँगा, जिस कारण मैं बाइक से ही जाना बेहतर समझा। काफ़ी मुश्किल के साथ 1.5 घंटा बाइक चलाने के बाद मैं अनिल के घर पहुंचा, जहां मुझे देखकर अनिल काफ़ी खुश हुआ। मानो उसके शरीर की सारी तकलीफें एकदम से छूमंतर हो गई हो। मुझे भी अनिल को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बात करते करते कब 2-3 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला, जिसके बाद अनिल की मम्मी ने हमारा खाना लगा दिया। खाना पीना खाने के बाद अनिल ने कहा, यार मनोज आज तू यहीं रुक जा, कल चले जाना। जिस पर मैंने अनिल से कहा, नहीं यार मुझे कल ऑफिस में काम है, मुझे आज ही निकलना होगा और इसीलिए तो मैं बाइक लेकर आया हूँ। पहले तो अनिल मुझे आज नहीं जाने दे रहा था, मगर मेरे काफ़ी समझाने के बाद वो मान गया। थोड़ा आराम करने के बाद ठीक शाम के 6 बजे मैं बाइक लेकर अनिल के घर से निकला। आसमान का रंग कुछ हद तक काला पड़ चुका था। मैं अभी बाइक लेकर अनिल के घर वाले रास्ते से निकल ही रहा था कि तभी मैंने सामने जो देखा उसे देखकर मेरा पारा एकदम से चढ़ गया। दरअसल अनिल के घर जाने वाले रास्ते पर जो रेलवे फाटक पड़ता था वो बंद था। उस रेलवे फाटक को बंद देखकर मैंने मन ही मन में कहा, लगता है आधा घंटा मेरा यहीं जाएगा। मैंने जब आसपास से पता किया तो पता चला कि 2 ट्रेनें पार होंगी तब फाटक खुलेगा, लिहाजा मैं कुछ कर भी नहीं सकता और दूसरा रास्ता था भी नहीं। तो मैं चुपचाप बाइक खड़े करके फाटक खुलने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाटक खुला तो मैं अपनी बाइक दोगुनी स्पीड से भगाने लगा, मानो मैं अपना गुस्सा बाइक के एक्सीलेटर पर निकाल रहा था। 15 मिनट तक बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से दूर एक सुनसान हाईवे पर आ गया, जहां अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं अभी उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग आदमी दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे रुकने को बोल रहा था। मैंने भी बाइक को उस आदमी के पास रोका तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा जरा मुझे आगे तक छोड़ दोगे? पहले तो मैंने सोचा कि उस आदमी को बाइक पर बैठा लेता हूँ, मगर फिर मैंने मन ही मन कहा, नहीं अगर ये कोई ऐसा वैसा आदमी हुआ तो। जिसके बाद मैं उस आदमी को बिना कुछ जवाब दिए ही अपनी बाइक को आगे बढ़ा लिया। उस रास्ते पर इस कदर सन्नाटा छाया हुआ था कि मानो इस रास्ते पर किसी आदमी का आना जाना ही ना हो। रास्ते के किनारे घने लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। रोशनी का एक ही जरिया था, बस मेरी बाइक की हेडलाइट। खैर बाइक चलाकर अब मैंने करीबन आधा सफ़र तय कर लिया था, जिस कारण अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। मगर मेरी यह खुशी किस्मत को बर्दाश्त नहीं हुई। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह से बंद होता देख मैं चौंक गया
और दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैंने काफ़ी बार किक और सेल्फ मारा मगर मैं हर बार नाकाम हो गया। मैंने पेट्रोल भी चेक किया तो मेरे बाइक में काफ़ी पेट्रोल था मगर बाइक को हुआ क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। निराश होकर मैं बाइक से उतरा और इधर उधर मदद के लिए देखने लगा तो मुझे उस सुनसान सी सड़क पर अंधेरे और जंगल के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। उस सुनसान रास्ते पर खुद को अकेले पाकर अब मैं थोड़ा डरने लगा था, जिस कारण मैंने मन ही मन में कहा, यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं होगा, थोड़ा आगे जाकर मदद लेकर आता हूँ। जिसके बाद मैंने बाइक को वहीं लॉक किया और मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगा। उस सुनसान सड़क पर इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरे कदमों की आवाज़ भी मुझे साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। चलकर मैं थोड़ा दूर आया तो मैंने देखा कि मुझसे थोड़ी ही दूरी पर रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखकर मेरे चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। मैं जल्दी से उस झोपड़ी के पास गया और दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद दरवाज़ा खुला तो मेरे होश उड़ गए, मैं एकदम से सहम गया। दरअसल दरवाज़ा खोलने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि वही बुजुर्ग आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया कि ये आदमी इतनी जल्दी यहाँ आया तो आया कैसे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या बात है बेटा, कुछ मदद चाहिए? उस बुजुर्ग आदमी के इतना बोलते ही मैं अब तक जितना सहमा हुआ था उससे कई ज़्यादा मैं शर्म में पड़ गया कि मैं इस बुजुर्ग आदमी से अब क्या बोलूं। फिर भी मैंने दबी हुई आवाज़ में उस आदमी से कहा, चाचा मेरी बाइक खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, यहाँ तो 15 किलोमीटर दूर तक ना कोई मैकेनिक मिलेगा और ना ही कोई घर। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं और परेशान हो गया। कुछ देर चुप रहकर फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, एक काम करो बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही किसी से मदद मांग कर चले जाना। अब उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर थोड़ी देर पहले जो मैंने उसे लिफ्ट नहीं दिया था उस गलती का मुझे अफसोस होने लगा। मगर एक ये भी था कि ये आदमी इतनी जल्दी यहाँ आया तो आया कैसे, खैर किसी तरह आ गया होगा और मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए मैं रुकने को तैयार हो गया। जिसके बाद मैंने बंद पड़े बाइक को ढकेल कर उस बुजुर्ग आदमी के घर के बाहर लगा दिया और घर के अंदर चला गया तो मैंने देखा कि उसके घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है, बस एक ही कमी थी तो बिजली की। घर के अंदर आते ही उस बुजुर्ग आदमी ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया, मानो वो कब से मेरे ही आने का इंतज़ार कर रहा हो। दरवाज़ा बंद करने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। भूख तो मुझे भी काफ़ी तेज लगी थी तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। खाना पीना हो जाने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे खाट पर सोने को कहा और खुद दूसरे रूम में चला गया। काफ़ी थके हुए होने के कारण नींद ने मुझे तुरंत अपने आगोश में ले लिया। फिर एक काफ़ी तेज आवाज़ के साथ मेरी आँख खुली तो मुझे काफ़ी तेज बदबू आने लगी। मैंने जब इधर उधर देखा तो एकदम से चौंक गया और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। दरअसल अब ये घर पहले जैसा नहीं था, अब ये घर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था। जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। अभी मैं ये सब देखकर डर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ज़मीन पर गई तो मेरा शरीर कांपने लगा क्योंकि ज़मीन पर चारों तरफ इंसानी शरीर के टुकड़े गिरे हुए थे। ये देखकर मुझे समझ आ गया
कि कैसे ये बुजुर्ग आदमी इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं किसी तरह खाट से नीचे उतरा और दबी हुई कदमों के सहारे भागने के लिए दरवाजे के पास पहुँचा तो मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरा दिमाग एकदम से घूम गया। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से शैतानी चेहरे में बदल चुका था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी वो शैतान एकदम से मेरे करीब आ गया और मेरा गला दबाने लगा। तभी मुझे याद आया कि अनिल की मम्मी ने मुझे भगवान शंकर के प्रसाद के साथ भभूत भी दिया था अपने घर ले जाने के लिए। मैंने जल्दी से उस भभूत को निकाला और उस शैतान के ऊपर छिड़कने लगा, जिससे वो शैतान एकदम से झटपट कहीं गायब हो गया, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भाग गया। मैं अभी उस जगह से भाग ही रहा था कि तभी मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा। मैं भागकर उस मंदिर में चला गया और पूरी रात उस मंदिर में गुजारने के बाद सुबह कुछ आदमियों को लेकर अपनी बाइक के पास आया तो मेरी बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई, मगर मुझे ये पता नहीं चला कि वो शैतान आखिर था कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।